from Texas for him, boy. तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फोर्टनाइट एंड्रॉयड या फिर iOS के लिए बेस्ट कंट्रोल सेटिंग कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर HUD लेआउट ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने जैसे कंट्रोल्स सेट किए हैं, आप सेम टू सेम वैसे ही कर दीजिए। इसमें दो मोड आते हैं, एक कॉम्बैट मोड और एक बिल्डिंग मोड। तो बस ये दोनों के कंट्रोल मैंने सेट किए, दिखेगा आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला क्राउच वाला है, उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग का भी ऑप्शन रख दिया है। देखिए ऐसे ही सेम टू सेम आप कंट्रोल सेट कर लीजिए। मैं आप स्क्रीनशॉट्स अभी आपके स्क्रीन पे आए जाएंगे, नंबर्स के साथ लिखा होगा वहाँ पे कि क्या क्या आपको ऐड करना है, तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। ये मैंने अपने खुद के कंट्रोल्स सेट किए। अगर आप मैं इससे कंफर्टेबल हो, अगर आप भी इससे कंफर्टेबल हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको कंट्रोल्स कैसे लगे। तो चलिए अब दिखाता हूँ कि आप गेम की सेंसिटिविटी सेटिंग्स कहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग्स पे जाइए, फिर सेटिंग्स, और यहाँ पे देखिए आप सेंसिटिविटी देख सकते हैं मैंने कितनी सेट की है। वो ये मैंने मेरे हिसाब से सेट की। अगर आपको पता होगा कि आपकी सेंसिटिविटी आपको कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप वो सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सेंसिटिविटी जो मैंने सेट की है वो एकदम परफेक्ट है आपके लिए। और दूसरी एक बात, अगर आप इंडिया से खेल रहे हैं तो आपको मैचिंग रीजन एशिया करके रखना होगा। यहाँ पे ऑटो है इसकी जगह ये यूरोप ब्राज़ील, ये देखिए एशिया कर दिया। ये सब होने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और बैक, और बस हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंट्रोल्स कितने अच्छी तरह से वर्क करते हैं।